हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में देखिए अगर हम ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट्स की बात करें तो वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं ये हो जाएंगे वॉटर हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सेलेनाइड हाइड्रोजन टेल्यूराइड और हाइड्रोजन पोलोनाइड अब वॉटर की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और बाकी दूसरे हाइड्राइड्स कलरलेस होते हैं और फाउल स्मेलिंग टॉक्सिक गैसेज होते हैं अब इन सारे हाइड्रेट्स को एलिमेंट से प्रिपेयर किया जा सकता है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सेलेनाइड और हाइड्रोजन टेलोराइड की बात करें तो इनको बनाने के लिए मेटल सल्फाइड्स मेटल सेलेनाइड्स और मेटल टेलोराइड्स के रिएक्शन या तो मिनरल एसिड के साथ करवाई जाती है या उनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है जैसे अगर हम फेरस सल्फाइड के रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसी तरह से फेरस सेलेनाइ के रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन सेलेनाइड ऑप्टेन होता है और अगर हम एल्युमिनियम सेलेनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन सेलेनाइड ऑप्टेन होता है इसी तरह से एल्युमिनियम टेलोराइड के रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन टेलोराइड ऑप्थेन होता है अब हाइड्रोजन टेलोराइड की बात करें तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी प्रिपेयर किया जा सकता है जिसमें हम टेल्यूरियम कैथोड का यूज करते हैं और डायलूट एच का यूज करते हैं और हाइड्रोजन पोलोनाइड की बात करें तो इसको हम ट्रेस अमाउंट में मैग्नीशियम पोलोनियम और डायलूट एसिड के मिक्सर से ऑपथैन कर सकते हैं अब अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सेलेनाइड और हाइड्रोजन टेलुराइड की बात करें तो ये सब वॉटर में सोल्यूबल होते हैं और एयर में ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं ये हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड की एयर के साथ रिएक्शन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जिससे वॉटर और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्टेन होते हैं अब अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में वाटर में डबल होती है अगर हम जीरो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस टेम्परेचर पर एक वॉल्यूम वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड के 4.6 वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर 2.6 वॉल्यूम एब्जॉर्ब करता है अब इसके सेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो उसका यूज लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में किया जाता है लेकिन इसको हम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते क्योंकि ये एयर से ऑक्सीडाइज होता है जिससे कि सल्फर डिपोजिट हो जाता है अब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये एक वेरी वीक डाइबेसिक एसिड होता है डाइबेसिक का मीनिंग है ये दो एच प्लस आयन डोनेट करता है और मोस्ट ऑफ मेटल सल्फाइड्स की बात करें तो उनको हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्ट माना जाता है अब हाइड्रोजन सल्फाइड डाइबेसिक होता है इसलिए ये सॉल्ट की दो सीरीज बनाता है एक हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरी हो जाएगी नॉर्मल सल्फाइड जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम सल्फाइड देखिए अगर हम H2S की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्टेन होता है और H2S की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड ऑप्टेन होता है अब एल्कली मेटल सल्फाइड्स की बात करें तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और स्ट्रांगली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अगर हम 1 एम सॉल्यूशन की बात करें तो वो 90 परसेंट तक हाइड्रोलाइज हो जाता है इसी वजह से ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं ये हो जाएगी सोडियम सल्फाइड के रिएक्शन वाटर के साथ इससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और एनएच ऑप्टेन होता है अब अगर हम हैवी मेटल्स के सल्फाइड्स की बात करें तो ये वाटर में इन होते हैं इस वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं अब देखिए अगर हम अमोनिया के डाइल्यूट सॉल्यूशन को H2S के साथ सेट करते हैं तो अमोनियम सल्फाइड नहीं बनके अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्टेन होता है अब अमोनियम सल्फाइड की बात करें तो ये सिर्फ एयर की एब्सेंस में लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है अब अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के जो सॉल्यूशंस हैं वो कलरलेस होते हैं और जब इसको अमोनिया के इक्विमोलर रेशियो के साथ मिक्स किया जाता है तो इसका यूज लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में किया जाता है जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा येलो अमोनियम सल्फाइड देखिए येलो अमोनियम सल्फाइड की बात करें तो इसका यूज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं और येलो अमोनियम सल्फाइड अमोनियम पॉलीसल्फाइड का मिक्सचर होता है जिसको बनाने के लिए सल्फर को कलरलेस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है अब अगर हम वाटर की बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट केमिकल कंपाउंड होता है और जो ओशियंस हैं, वो अर्थ सरफेस का लगभग सेवेंटी वन परसेंट एरिया कवर करते हैं सिंपली हम कह सकते हैं अर्थ सरफेस पर इतना वाटर प्रेजेंट है कि हमें वाटर को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है लेकिन सी वाटर की बात करें तो इसमें कई सारे डिजोल्व सॉल्ट प्रजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर की बात करें तो अर्थ सरफेस पर सिर्फ थ्री परसेंट ही फ्रेश वाटर प्रजेंट है और इसमें से भी मोस्ट ऑफ पोलर आइस के फॉर्म में प्रजेंट है तो इसी वजह से इंडस्ट्रीज में ड्रिंकिंग और लेबोरेटरी पर्पज के लिए वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है